अस्सलाम वालेकुम सिटी वीडियोज़ के साथ मैं हूं सुहेल भट्टी। सबसे पहले आपको आज की अहम खबर से आगाह करते जाएं। गुज़श्ता रोज़ पहले DHL और एच ब्लॉक में दो पार्टीज के मबैन लड़ाई झगड़ा हुआ और दो पार्टीज की लड़ाई झगड़े की शिद्दत इस कदर इख्तियार कर गई कि दोनों में 5C जैसी संगीन दफात लगाई गई। इस मौके पर DHL एच ब्लॉक के सदर एहतशाम साहब और उनके विरासत से ताजरान इतिहाद ग्रुप आल पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर ने सुलह करवाने में अपना अहम रोल अदा किया। एक बार फिर से आपको बता दें, DHL लाहौर एच ब्लॉक में दो फ्री कैन के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़े की शिद्दत इतनी इख्तियार कर गई कि 5C जैसी संगीन दफात लगाई गई। और इस मौके पर DHL एच ब्लॉक के सदर मिस्टर एहतशाम और उनकी विरासत से ताजरान इतिहाद ग्रुप आल पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर साहब और उनके हमरा आसफ सुलहरी, रिफत सनी, मोहम्मद नदीम ने मिलकर दोनों फ्री कैन के दरमियान सुलह करवाई। सिटी न्यूज़ के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए ताजरान इतिहाद ग्रुप आल पाकिस्तान के सदर मोहम्मद अबू बकर का कहना था कि कुछ दिन पहले एच ब्लॉक डिफेंस दो फ्री कैन के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया। मामला थाना तक जा पहुँचे, मदई पार्टी की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई और इस लड़ाई झगड़े में 5C जैसी संगीन दफात भी लगाई गई। बिलाखिर दोनों फ्री कैन के दरमियान डिफेंस एच ब्लॉक में सुलह करवा दी गई। मुलजम फ्री कैन जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के एडवोकेट राना एहतशाम, राना इजहार, राना उस्मान, राना अब्दुल रहमान और दीगर ने अपनी गलती तस्लीम की और मदियान जिनमें अली हसन और अली रजा और दीगर से मुआफ़ी मांगी गई, जिस पर मदियान ने गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ किया और FIR ख़त्म करवाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर ताजरान इतिहाद ग्रुप आल पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर, सदर मोहम्मद आसिफ सुलहरी, सदर एच ब्लॉक एहतशाम कादरी, जनरल सेक्रेटरी सरप्रस्त चेयरमैन निषाद कलोनी हाजी मंशा भट्ट, सरप्रस्त चाचा अजीम DHA Phase 1, जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा, सीनियर नायब सदर आबद अली, नायब सदर गुलाम अली, नायब सदर अहमद शहजाद, टास्क फोर्स राना साजिद अली रजा, बिल्लू लंबा, जबकि मार्केट से सनी रिफत साहब, डोगर रेस्टोरेंट से सुहेब डोगर में ताजरों की कसीर तादाद इस मौका पर मौजूद थी। चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर साहब, सदर मोहम्मद आसिफ सुलहरी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए दोनों फ्री कैन का शुक्रिया अदा किया और ताजर बरादरी को मिलजुल कर इत्तेफाक और इतिहाद से रहने और कारोबार करने की तलकीन की। इस लड़ाई झगड़े की वजह से हम सब ताजरों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के मार्केट की बढ़ोतरी के लिए काम करें, ना कि एक दूसरे से लड़े और इस तरह के मसाइल खड़े करें। मैं आज अली भाई, एहतशाम साहब, आसिफ सुलहरी साहब और दोनों पार्टियों के जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि इनके दिल में किसी किस्म की कोई भी नफ़रत, कोई हसद, कोई ऐसी चीज आज बाकी नहीं रहनी। नेक्स्ट टाइम हमारी मार्केट में इस तरह के अमल नहीं हो ताकि हम अच्छे तरीके से अपने कारोबार को परफॉर्म करें और एक हमारा तासुर पूरी मार्केटों में अच्छा जाना चाहिए कि लाहौर में एच ब्लॉक मार्केट है जहां पे ताजरों में बहुत ज्यादा तहाद और यूनिटी है। तो मैं इसी के साथ मुख्तसर से ये चीज है कि आज बड़ा जबरदस्त एक अमल बुलाया गया है। रिफत सनी साहब, बड़ा पुराना ताल्लुक है इनके साथ और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आज। मैंने भी खराज तहसील पेश करता हूँ और उनके साथ जितने भी कायदीन हैं उनको भी मैं खराज तहसील पेश करता हूँ कि एक बड़ा जबरदस्त अमल आपने कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।